हेलो दोस्तों, आपका वेलकम है अभी से शुरू चैनल पे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आपका कई बार क्या होता है, ब्लूटूथ काम करना बंद कर देता है या नेटवर्क नेट चलना बंद हो जाता है। अचानक क्या होता है, अपना जो वाईफाई कनेक्ट किया होता है, कई बार हम ऐसी जगह पे बैठे हैं जहाँ पे हमारा वाईफाई चलना बंद हो जाता है। तो इस हालात में हम क्या करते हैं, जब फोन को स्विच ऑफ करते हैं, दोबारा चलाते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ के झंझट में फॉलो करते हैं, तब भी हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। आज की वीडियो इसी के रिगार्डिंग मैंने बनाई है। इस वीडियो में आप जानोगे आपकी जो ब्लूटूथ है, वाईफाई है या डाटा, कभी आपका रुकेगा नहीं। अगर रुकता है तो आपने क्या करना है, आज की वीडियो में मैं कंप्लीट दिखाने वाला हूँ। ठीक है फ्रेंड, आपने क्या करना है, आपने सिंपली फोन की सेटिंग में चले जाना है। ठीक है फ्रेंड, सेटिंग में जैसे आप चले जाते हो तो या फिर आपने ऐसा करना, अगर आपने सेटिंग में नहीं जाना, आपने क्या करना, आपने अपने एरोप्लेन मोड को लॉन्ग प्रेस करना है। मतलब जैसे लॉन्ग प्रेस करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस सामने आ जाएगा। उसके बाद रीसेट वाईफाई मोबाइल नेटवर्क एंड ब्लूटूथ लिखा हुआ है, इस पे हम जैसे क्लिक करते हैं तो जहां पे आपको रीसेट सेटिंग का एक ऑप्शन दिया गया होता है। जैसे फ्रेंड आप रीसेट ये ऑप्शन पे आप क्लिक करते हो तो आपकी जो भी ये ना चलने वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ, इसमें कोई आपका फोन में कोई फॉल्ट नहीं पड़ता, बढ़िया चलता है, तो और भी इससे भी ज्यादा बढ़िया चलेगा, बढ़िया रेंज में चलेगा। तो जैसे मैं इसको रीसेट को ओके कर देता हूँ तो जो इसका डाटा का पूरा जो सेटिंग है वो रीसेट हो चुकी है, तो आप देख रहे हो। उसके बाद आपकी जो भी है, मतलब कई बार क्या करते हैं, हम एरोप्लेन मोड को दबाते हैं या ब्लूटूथ को दबाते हैं, ये काम नहीं करता, रुक जाता है या वाईफाई कनेक्ट नहीं होता। ये तीनों प्रॉब्लम का सोल्यूशन इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड, उम्मीद करता आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फ्रेंड।